तारीफ करनी होगी यहां पर रविंद्र जडेजा की, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी वो दो गेंदों पर चौके और छक्के बरसाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। देखिए आखिरी ओवर की कहानी की अगर हम बात करें तो आखिरी ओवर की कहानी जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए चाहिए थे तकरीबन जो 12 से 13 रन चाहिए थे। और उसके बाद देखिए वहां पर क्या किया, एक रन पहली गेंद डॉट बॉल रही, उस पर कोई रन नहीं गया। फिर हम देखें तो दूसरी गेंद पर एक रन लिया वहां पर, फिर तीसरी गेंद पर एक रन लिया, चौथी गेंद पर भी एक रन लिया। ये जो पहली चार गेंद है ना काफी जबरदस्त डाली थी मोहित शर्मा ने, सारी यॉर्कर लेंथ की गेंदें थी, इनको बाहर मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर क्या हुआ, पांचवी और छठी गेंद पर लेंथ मिस कर गए। पांचवी गेंद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गेंद थी, पेनल्टीमेट गेम थी वो इस मुकाबले की, और उसमें रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल सीधा छक्का मार दिया, तीर की तरह एकदम सीधा, और वहां से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया। 13 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और देखिए 13 रन वहां पर, पहली चार गेंदों में सिर्फ 3 रन आए थे और आखिरी दो गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। लेकिन जडेजा ने क्या किया, पहले लगाया छक्का, फिर आखिरी गेंद पर लगा दिया चौका, और चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया, गुजरात टाइटंस के सपनों पर पानी फेर दिया, हार्दिक पांड्या का सपना जो है वो चकनाचूर कर दिया। और देखिए मोहित शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आपको पूरा ओवर बताते हैं कि किस तरीके से चला ये ओवर। आखिरी गेंद आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, और मोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे शिवम दुबे। पहली गेंद बड़ी अच्छी फेंकी वहां पर मोहित शर्मा ने, और कोई रन नहीं बना क्योंकि वो यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसको मार पाना मुश्किल था। तो पहली गेंद जो थी वो डॉट हो गई थी, पांच गेंदों में चाहिए थे 13 रन। फिर दूसरी गेंद फेंकी मोहित शर्मा ने, वो भी यॉर्कर थी, उस पर एक रन ले लिया शिवम दुबे ने। तो ऐसे में दो गेंदों में एक रन बना था, और अब जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को चार गेंदों में चाहिए थे 12 रन। उसके बाद तीसरी गेंद मोहित शर्मा ने डाली, वो भी यॉर्कर थी, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, उस पर एक रन लिया। फिर वहां पर क्या हुआ कि शिवम दुबे स्ट्राइक पर आ गए और तीन गेंदों में सिर्फ बने थे 2 रन। फिर उसके बाद चौथी गेंद जब डाली तो शिवम दुबे ने फिर से सिंगल ले लिया। तो इस तरीके से पहली चार गेंदों में सिर्फ 3 रन बने थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और आखिरी की दो गेंदों में 10 रन चाहिए थे। देखिए खिताब के बीच में वो दो गेंदे थी और वो 10 रन थे। एक तरफ गुजरात टाइटंस की टीम जो ये चाहती थी कि वो दो गेंदे अच्छी चली जाएं तो खिताब हमारा हो जाएगा, आईपीएल की दूसरी ट्रॉफी हम उठा लेंगे, लेकिन वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो ये चाह रही थी, ये दो गेंदे अगर हमने बाउंड्री के पार पहुंचा दी तो हम पांचवी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाएंगे, आईपीएल के चैंपियन बन जाएंगे पांचवी बार। फिर क्या हुआ, मोहित शर्मा वो पांचवी गेंद लेकर आए, लेंथ को मिस कर गए, रविंद्र जडेजा ने यहां मिस नहीं किया, उन्होंने गेंद को सीधा एकदम बल्ले से खेला और गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, 6 रन बटोर लिए, और फिर यहां पर आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, और आप ही कह सकते हैं काफी टेंस गेम हो गया था क्योंकि आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। एक बार फिर से मोहित शर्मा लाइन और लेंथ से बिगड़ गए, उनकी लाइन और लेंथ सटीक नहीं गई, ऑन द पैड्स उन्होंने गेंद डाली और वहां पर रविंद्र जडेजा ने बड़ी ही आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया। तो जडेजा ने लगातार दो गेंदों पर जिस तरीके से वो बाउंड्रीज लगाई, चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की आस जगा दी थी और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। अंत में मेला लूट लिया रविंद्र जडेजा ने, 6 गेंदों में 15 रन, नॉट आउट, एक चौका और एक छक्का, 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया।